दोस्तों ये देख रहे हैं हमारे पास देसी मुर्गियां जो हमने 2 महीने पहले लेकर आए थे, आज इतनी बड़ी हो चुकी है। अब देखिए देखिए किस तरीके से सारी मुर्गियां जो है बैठी है, और इनके अंडे देने की प्रक्रिया से लेकर सब कुछ आप पूछ सकते हैं। हमने ये अभी छोटी सी स्टार्ट किया था, और आज से हम क्या कर रहे हैं, जो मुर्गियां हैं उनको बाहर भी निकालना चालू कर रहे हैं। अब देखिए अब ये जो है 2 महीने पहले लेकर आए थे, और ये जो है इतनी बड़ी हो चुकी है। अब देखिए बड़ी हो चुकी है, बढ़िया से दाना खा रही है। हम ज़्यादा इसको दाना भी नहीं देते, नॉर्मल जो है इसमें आप दाना देख लीजिए, जो मक्का है बाजरा है यही मिलाकर इनको दे देते हैं। आज से इनको हमने बाहर भी निकालना चालू किया। देखिए किस तरीके से, अब 2 महीने की हो गई है, तो ये किस तरीके से बाहर भी अब घूमने लग गई है। बाहर जो है ये जो फ्री ग्राउंड एरिया है उसमें भी अब ये देखिए चुगा कर रही है, खा रही है बाहर से। अब ये धीरे धीरे अब इनको ज़्यादा दाना खिलाने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अभी बाहर भी निकलने लग गई है। अब इनको बाहर आज से ट्राई किया है कि बाहर निकले और चुगा करे, तो देखिए चारों तरफ अपने अलग अंदाज में अब ये देसी मुर्गियाँ देसी तरीके से अब खाते हुए और दाना सूखा करते हुए। इनकी जो आपको मैंने दाना बनाना बताया था, वो बताया था मैंने आपको कि इनको देसी दाना कैसे बनाएं, बाजरा और जो मक्का है उसको मिलाकर, और इसके अलावा जो उसमें क्या मिलाना है विटामिन, वो भी मैंने आपको नाम बताया था, तो वो मिला दें और ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा वज़न हो गया, आज 2.5 से 3 किलो का वज़न इनका है। अभी जो देसी दाना दिया है हमने, कोई बाज़ार से लाकर दाना कभी दिया नहीं है इनको, स्वस्थ है ना, कुछ वैक्सीन करवाई ना और कुछ किया, लेकिन आज देखिए किस तरीके से बाहर फ्री रेंज में भी अब रह रही है। क्योंकि फ्री रेंज थी तो आज हमने सोचा कि इनको बाहर क्यों ना बाहर निकाला जाए, और बाहर निकाल कर विचरण कराया जाए, जिससे कि थोड़ा हेल्थी भी रहेगी, स्वस्थ भी रहेगी, ठीक भी रहेगी। देखिए अलग अलग मुर्गियाँ जो है वो अलग अलग चारों तरफ घूम रही है, धीरे धीरे अब ये बाहर निकलने लग जाएंगे। देखिए पहले दिन से लेकर हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं कि किसी के फ्री रेंज में मुर्गी पालन कर सकते हैं। ये देखिए अब ये भी बाहर निकलने की कोशिश, क्योंकि बाहर के जो निकले हुए हैं उनको देखकर अब धीरे धीरे ये सीख जाएंगे कि बाहर किस तरीके से निकला जाता है, और अब धीरे धीरे इनको बाहर भी हम निकालेंगे, हर जानकारी आपको देंगे। अंडे देने की प्रक्रिया अभी 2 महीने के हुए हैं, तो हम आपको बताएं, देखिए 2 महीने के कितने हेल्दी बच्चे, हम आपको अंडे देने की प्रक्रिया बताएंगे, क्योंकि अंडे देने की प्रक्रिया जो है वो 5 महीने बाद में शुरू होती है। और देसी मुर्गी के लिए देसी दाना हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, अब इसमें बताएंगे कि 2 महीने की हो गई है, हेल्दी है और बढ़िया से विचरण कर रही है, चल रही है, इधर उधर घूम रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। ये फ्री रेंज में छोटा सा त्रिपाल बना दिया था, इसके बाद में ये जो है इसी में रहती है, ज़्यादा सब कुछ इनके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके सर्दियों के लिए इनके चारों तरफ ये ज़रूर त्रिपाल एक नया सिला के लाएंगे, वो लगाएंगे। शुरुआत में थोड़ा डर जरूर रहे हैं, लेकिन पहला दिन है, अब धीरे धीरे ये समझ जाएंगे। देखिए इधर जो है ये फ्री रेंज के अंदर चल रहे हैं, दाना खा रहे हैं, जिससे क्या है कि अपना जितना भी प्रोटीन होता है वो ले लेंगे, जिससे इनको अलग से कुछ खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
देखिए अपने आप खाना खा रहे हैं, बाहर आने के बाद में कितने खुश दिख रहे हैं देखिए चारों तरफ। और ये देखिए अपने आप जो है धीरे धीरे वो बच्चे जो है ना अपने खुशी से भी बाहर आप धीरे धीरे निकल के आने लग जाएंगे, क्योंकि खुला है। तो ये जो है देखिए ये है आज फ्री रेंज में, हमने खुला छोड़ दिया है इनको मुर्गियों को। जो बच्चे हैं देसी मुर्गी पालन फ्री रेंज में कैसे करें, हमने 100 बच्चे पाले थे उसमें से हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्री रेंज, और फ्री रेंज में देखिए बच्चे किस तरीके से अब घूम रहे हैं, खा रहे हैं आराम से। इससे आपके दाने की भी बचत होगी और है भी हेल्थी रहेंगे और आने वाले समय में अच्छे अंडे भी देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको बाहर भी फ्री रेंज के अंदर घुमाते रहें, जिससे क्या है ये हेल्दी रहे। सुबह शाम दो बार दिन में निकाल दें तो ये अच्छे से विचरण करते रहेंगे और अच्छे से घूमेंगे तो इनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देखिए अपने आप ये जो है दाना खा रहे हैं, अपने आप से अपना जो चाहिए खाना वो ले रहे हैं और स्वस्थ भी रहेंगे। फ्री रेंज में मुर्गी पालन कैसे करें ये हम आपको दिखा रहे हैं। 2 महीने के बच्चे देखिए कितने हेल्दी हैं, क्योंकि अब तक इनको बाहर नहीं निकाला था, आज पहली बार इनको बाहर निकाला है। देखिए किस तरीके से थोड़ा डर जरूर रहे हैं लेकिन फिर भी अच्छे से खा रहे हैं पीछे बाहर, जिससे क्या इनको सब कुछ मिल जाएगा, जो भी खाने में जो कमी रहती है वो सब कुछ मिल जाएगा। और अंडा भी ये देने आने वाले समय में अच्छा देंगे, क्योंकि बाहर जो भी इनकी विटामिन होते हैं वो संपूर्ण जो सभी की है ना पूर्ति हो जाती है अंदर। या तो लेयर फीड दो या फिर देसी घर का बनाया हुआ दाना देते हैं, तो फिर बाहर का इनको फ्री रेंज में घुमाना जरूरी है, जिससे क्या है कि ये अपनी जो पूर्ति होती है विटामिन्स की वो यहाँ से कर लेते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये जो है धीरे धीरे अब बाहर के वातावरण में ढल रहे हैं और बाहर के वातावरण से में घुल मिल रहे हैं।